माफी मांगनी पड़ी आप। सर मैंने जजेस को बिल्कुल भी निशाना नहीं बनाया था। हाँ हमने ये जरूर कहा था कि इस मुल्क के अंदर, जो मैं अभी भी अंदर बोल के आ रहा हूँ, कि इस मुल्क के अंदर पिछले 8 महीने में बदतरीन फस्ताइयत देखी गई है और दहशत की एक लहर पूरी मुल्क के ऊपर चली है, सियासतदानों के ऊपर, सहाफियों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर। लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, हिरासत में लिया गया है, तशद्दुद किया गया है, और उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है और उठाते रहेंगे। और अपील हमने किससे करनी है? हमने तो अदलिया से अपील करनी है। हम बंदूकें उठा के तो दहशतगर्दी करने वाले लोग नहीं हैं। अगर ये मुल्क के अंदर बदतरीन फस्ताइयत हो रही है तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठा के अपील अदलिया से ही करनी है, और वही हमने अपील की थी। अच्छा सर, रूस के साथ एक दफ़ा जो अभी ये जो वक्त है पाकिस्तानी वक्त हो गया और वापस आ गया, अब रूस का वक्त आएगा और कल फिर ये वक्त जो है ईरान गया है, तो क्या समझते हैं कि ये जो डील जो आपके दौर में एक शुरू हुई थी वो अब जाके फिनिश हो रही है, तो इससे पेट्रोल या जो मुल्क की मीशत है उसमें कोई बेहतरी आ सकती है आप समझते हैं? यार ये जो हुकूमत जिस किस्म के काम कर रही है ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत पिछले 8 महीने में, तो बार बार जो है वो ख्वाजा आसिफ के सुनहरे अल्फाज याद आते हैं मुझे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। रिकॉर्ड उठा के देख लें, वहाँ पे मुज़ाकरात हमारे पहुँच गए, वज़ीर आज़म खुद चले गए, 3 घंटे की मुलाकात हो गई सदर पुतिन के साथ, और उसके बाद फॉलोअप मीटिंग हुई, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर रशिया के साथ मीटिंग हुई, वापस आने के बाद एनर्जी मिनिस्टर हमाद अज़हर ने फॉलोअप किया, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। ये सब करने के बाद पहला, अगर आपको याद हो तो इन्होंने, हुकूमत वालों ने कहा कि नहीं हमारी तो रूस से कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल का रिकॉर्ड पे आपको जवाब मौजूद नजर आएगा कि हम जो है वो इसलिए नहीं खरीद सकते रूस से सस्ता तेल और पाकिस्तान के अवाम को इसलिए नहीं रिलीफ दे सकते क्योंकि अमरीका के सेंक्शन लग जाएंगे। ये रिकॉर्ड की बात है। आज वही हुकूमत जो है 8 महीने बर्बाद करने के बाद, जिस वक्त इन्होंने चूमर निकाल के रख दिया पाकिस्तान की अवाम का, पेट्रोल 150 रुपए से उठा के 250 रुपए तक लेके चले गए, वो हुकूमत आज कह रही है कि अच्छा अब हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं, जिस वक्त मौका जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, गुजर चुका है, क्योंकि उन्होंने डील्स कर ली हैं रूस ने, अब जो है उनके पास इतना सरप्लस बचा नहीं है। तो इनको कौम से माफी भी मांगनी चाहिए, झूठ बोलने के ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए, और नाअहली के ऊपर भी माफी मांगनी चाहिए। असेंबलियां तलीन, आज मीटिंग है जी जमान पाक के अंदर, इमरान खान साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, तमाम सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी और टाइमिंग के ऊपर डिस्कशन होगी वहाँ। अच्छा था, ये बताइएगा कि दोबारा एहतजाज की तरफ जा रही है तरीके के साथ बड़ी मुद्दों में रैलीज की सूरत ले, एक एहतजाज दोबारा हुकूमत पर प्रेशर करने के लिए, बताइएगा ये कब से ये एहतजाज शुरू है? देखें गली मोहल्लों के अंदर तो तरीके इंसाफ मौजूद रहती है, अवाम की पार्टी है, सियासी पार्टी है, अवाम की तर्जमानी करती है और अवाम के अंदर ही रहती है। हम वो तो नहीं है कि हमें पुलिस से लोगों को धमकियां देनी पड़े कि अवाम के अंदर जब जाएं तो लोग जलील करें जिस तरह नून लीग वालों के साथ होता रहा है। ये तो अवाम की पार्टी है, अवाम के अंदर ही रहती है और रहेगी ऐसी अवाम के अंदर। और जब तक मुल्क के अंदर ये इंपोर्टेड हुकूमत मौजूद है, ये साजिश की पैदावार हुकूमत मौजूद है, ये बैरूनी मुदाखलत की पैदावार हुकूमत मौजूद है, ये हराम का पैसा लगा के ज़मीरों की मंडी लगाई हुई हुकूमत मौजूद है, तो तहरीके इंसाफ इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी और अपनी अवाम के लिए, अपनी हकीकी मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए एहतजाज भी करती रहेगी और तहरीक भी चलाती रहेगी। तो वो शहादत तक वो एक बात जरूर कहती रही है कि मैंने गैर सियासी जो इलेक्शन थे उनका मैंने बायकॉट से सियासी गलती की। आप ये असेंबलियाँ तोड़ के आप क्या सियासी गलती करने नहीं जा रहे? केपी आपका जो बेस कैंप है और बेस कैंप को आप खाली करके आप दूसरों को सियासी तौर पर मैदान खाली दे रहे हैं। जब आप रद्द अमल देखते हैं ना अपनी जो अपोजिशन है, जो आपके मुखालिफ हैं, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि फैसला आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने देखा कि जिस दिन ये ऐलान किया इमरान खान ने कि हम असेंबलियाँ तहलील करने के लिए जा रहे हैं, तो किस किस्म की चीखों की आवाज़ आई है पीडीएम के सफ़ों में से, और क्या अल्फाज इस्तेमाल किए राणा सुलाना ने, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि असेंबलियाँ ना तोड़ चुके। मैदान खाली नहीं करने के लिए जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, अवाम के अंदर जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आए ना हम करें मुकाबला।